हेलो हेलो, ये कविता मैडम? जी, कविता बात कर रही हूँ। नमस्ते मैडम। मैं ये अभी जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो मेरे को विनोद सर मिले थे। तो विनोद सर, आपसे मेरा अच्छा ना इंटरेक्शन नहीं हुआ था। मैं कंपनी में आए हुए थे, रिसेप्शन पे रिज्यूमे दिया, तो विनोद सर ने कहा था, उन्होंने एक छोटा सा राउंड लिया था। उन्होंने कहा था कविता मैडम फ़ोन पे ले लेंगे आपका राउंड। तो आई एम सॉरी, मैं ऐसे अच्छा रैंडमली कॉल कर रहा हूँ, बट उन्होंने बोला था आप कॉल कर लेना, वो फ़ोन पे लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है बताइए यस, आई एम विनोद मैडम। अभी। यस यस अच्छा, तो जॉब के लिए तो अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं फिलहाल? मैडम, अभी तो नहीं कर रहा हूँ, अभी तो गैप आ गया बीच में। मैं कर रहा था, फिर मैंने छोड़ दी थी। हाँ अच्छा, जी, तो हाँ जी। एक्सपीरियंस कितना होगा आपका? मेरे को मैडम ऑनेस्टली बताऊँ, एज सच इस लाइन का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। पहले मैंने कॉल सेंटर में काम किया था, फिर मैंने बीच में अच्छा ना अपना काम शुरू कर दिया था। तो टोटल मिला के 2.5 साल का एक्सपीरियंस होगा मैडम। 2.5 ईयर्स। यस यस, टू अच्छा पॉइंट ढाई ढाई साल का। हाँ ठीक जी, हाँ जी, हाँ जी। है, तो ये बताइए आपको एक प्रेशर कैसे झेलते हैं? क्या आप कंपनी के एनवायरनमेंट में आप कैसे प्रेशर झेलते हैं? आपके ऊपर अचानक से अगर कोई काम आ गया हाँ जी, हाँ जी तो क्या करेंगे आप मैडम, फिर? मैं तो अपना 100% देता हूँ कंपनी को। और प्रेशर की जहाँ तक बात है मैडम, प्रेशर कब, मैं सोचता हूँ जॉब का नाम ही प्रेशर है। अगर बंदा प्रेशर नहीं लेगा मैडम, हाउ कैन ही और शी अचीव? सो प्रेशर शुड बी थैंक देयर, यू। प्रेशर तो होना चाहिए ओके मैडम। ओके यस नाइस। यस यस, अच्छा, तो अभी आप कहाँ रहते हैं? मैं वेन्यू नोएडा से? रहता हूँ मैडम। नोएडा परिचौक है नोएडा? हाँ जी, हाँ हाँ यहीं हाँ पे जी। अपना फ्लैट ले रखा है। अच्छा, जी यस मैम, यस परी यस चौक। यस ठीक है मैम, ठीक है। यस यस यस। अच्छा, और चलिए ये आप बताइए कि आप 5 साल बाद आप कंपनी को कहाँ ले जाना चाहते हैं? 5 साल बाद मैं आपकी कंपनी को कहाँ ले जाना चाहता हूँ? मैं 5 साल बाद यही अपना परीचौक, क्योंकि मैडम मेरा क्या है ना, जी मेरा फिर ये मेट्रो का बच जाएगा आने जाने का। जैसे मेरे को एक मेट्रो पकड़नी पड़ती है रैपिड, फिर मेरे को बड़ी पकड़नी पड़ती है, फिर मेरे को ई रिक्शा करके फिर आना पड़ेगा। तो मैं नहीं कंपनी को ये परीचौक ले जाना चाहता हूँ। नहीं मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, शायद आप हाँ जी, समझे नहीं। मैं पूछ रही हूँ कि आप कंपनी को कहाँ ले जाना चाहते हैं? कंपनी को आप हाँ, कहाँ ले जाना एज अ चाहते हैं इन एम्प्लॉय पांच सालों कंपनी को पांच मैं सालों या तो मैडम परीचौक या फिर ये डासना में भी जगह पड़ी है, क्योंकि डासना मेरे घर से करीब पड़ता है। जैसे मैं निकलता हूँ ना, तो मैं अरे अपने स्कूटी से भी जा सकता हूँ डासना। और फिर मेरे चाचा जी रहते हैं, वो रोज़ निकलते हैं उस रूट पे, तो मैं वहाँ ले जाना अच्छा चाहता हूँ। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। देखिए देखिए अभी कहाँ मैं पे है आप आपकी कंपनी? अभी कहाँ पे है? देखिए, अभी हमारी कंपनी तो सीपी में है ना। सीपी पे से डासना ले जाऊँगा मैं उसको, क्योंकि सीपी बहुत दूर पड़ेगा मेरे को। अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप एज अ जो कंपनी होती है ना, असल में कंपनी को कहाँ लेके जाना चाहते हो? मैं आप बता दो कहाँ ले जाएं, आपकी नज़र में कोई अच्छी लोकेशन हो। मेरे को तो ये ठीक लग रहा है, ग्रेटर कैलाश ठीक है। फिर चक्कर ये है उसमें, मैं आपको बताता हूँ, उसमें फ़ायदा ये है, दो टपरी वाले चाय वाले ऑलरेडी है वहाँ पर। तो मतलब अगर कंपनी को वहाँ ले जाएं, कहाँ से? कनॉट प्लेस से लेने जानी है? अरे आप, अरे यार आपसे मैं, चलिए मैं आप सिंपल, आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं? अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? कंपनी की बात छोड़िए। 5 साल बाद मैडम मैं अपने आप को वहीं अपना ये परीचौक पे ही देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रहता भी वहीं हूँ ना। अब मेरे को वहीं अगर सही लगे तो मैं सही देख लूँगा अपने आप को। अरे आप मैडम 5 साल लग जाएंगे आपको ना जॉब देने में, समझ में हाँ हाँ नहीं हाँ आएगा।